की। तो आप अपने जो बाहर शहर में रिश्तेदार रहते हैं तो उनको कहिए कि हाँ भैया आइए पटना घुमाते हैं। आएगा तो देखेगा बीच रहेगा कि पटना पटना नहीं है, बम्बई हो गया। बम्बई हो गया क्या बात। हेलो भैया जी, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो फिलहाल जो है कल जो हम जो है संडे को यानी कि इतवार को हम गए थे कहाँ गए थे वो कहा ना भैया जी, हमको भूलने की थोड़ी जल्दी से आदत है। तो हम गए थे जेपी पथ जो कि आपको मालूम होगा जो कि अटल पथ से ज्वाइंट है, ठीक है भैया जी। तो संडे को यानी कि इतवार को हम वहाँ पर घूमने के लिए गए और विश्वास नहीं कीजिएगा कि ऐसा व्यू और ऐसा जो है खूबसूरत सा दृश्य हम कभी नहीं देखे थे। माफ़ कीजिएगा कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गया, ठीक है। तो जो है ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा जो है वो हम कभी नहीं देखे थे। मगर जब हम वहाँ गए भैया जी, कसम से बताते हैं हमको जो है ना वो बॉम्बे और बड़े ऐसे शहरों का जो है मुझे बीच याद आ गया जब हम वहाँ जाया करते हैं और जो है बहुत सारी सेल्फियाँ लिया करते हैं। और वही दृश्य जो है ना भैया जी, वो कल हमें जो है वो दीघा के पास यानी कि जो है वो जेपी पाथवे के पास मुझे मिला। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा उस दृश्य को देख के ना हमको एक पल के लिए फिर से लगा कि हम गर्व से कहें कि हम बिहारी हैं। ये पटना के जो है ना भैया जी, ये बदलते हुए नज़ारों को देख के ना हम बहुत ही खुश हुए। और हम आपको एक बार जरूर कहेंगे कि अगर आप नहीं गए भैया जी तो आप जाइए, अपने साथ और अपने परिवार के साथ जाइए और उस जगह को जरूर देखिए। हम आपको सच कहते हैं कि आपको उससे इश्क हो जाएगा। और ये कहने की ही बातें नहीं, ये वाकई में खूबसूरत है। छोड़िए हम बकबक ज्यादा नहीं करेंगे भैया जी, हम जो है ना आपको वहाँ लेकर चलते हैं और आपको कुछ लोगों से मिलाते हैं और उनके एक्सपीरियंस को हम आपको सुनवाते हैं। और साथ ही जो है वो दीघा ब्रिज से लेकर जो है हम आपको जेपी पाथवे का पूरा दर्शन करवाते हैं संडे नाइट का, ठीक है भैया जी? तैयार हैं, है ना? क्या कहते हैं, चला जाए? ओहो रुका नहीं जा रहा है, ठीक है भैया जी तो चलते हैं अब। तो हमारे साथ जो है यहाँ पे एक अंकल है, बताइए अंकल आप कहाँ से आए हुए घूमने के लिए? मैं दानापुर से आया हूँ। बताइए, देख रहे हैं ये दानापुर से जो है ये घूमने के लिए आए, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे, कैसा फील लगा आपको? बड़ी अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, वातावरण सब भी अच्छा लग रहा है, देख रहा है हवा हुआ अच्छा लग रहा है। अच्छा ये आपको लगता है कि पटना में और कहीं ऐसा रास्ता है, मतलब कि इतना जो गंगा से गंगा किनारे से जो आप लग के जो है आप जाते हैं तो एक ऐसी वाइब आपको कहीं और लगती है आती है? ऐसा तो अभी तक भविष्य में कभी हुआ नहीं, पहली ऐसा मैंने सौगात हम लोग का मिला है कि आज हम लोग यहाँ पर आए। तो ये कम बड़ी बात नहीं है भैया, दानापुर के रहने वाले और ये सड़क को, मतलब ये कम बड़ी बात नहीं अपने आप में कि सड़क को घूमने के लिए जो है उतना दूर से जो है यहाँ पे ये चल गए हैं। तो आपको लग रहा है कि अब बिहार हमारा बदल रहा है? और शहरों की अपेक्षा जो अब हमारा बिहार भी आगे जा रहा है, नहीं एकदम जी जी। तो आप अपने जो बाहर शहर में रिश्तेदार रहते तो उनको कहिए कि हाँ भैया आइए पटना घुमाते हैं। आएगा तो देखेगा बीच रहेगा कि पटना पटना नहीं है, बम्बई हो गया। बम्बई हो गया क्या बात है। तो ये सही बात है कि पटना पटना नहीं रहा है, कि पटना जो है ना बॉम्बे जैसा शहर को जो है ये बीट दे रहा है। और हम आपको और भी कई लोगों से मिलाते हैं और उनसे बात करवाते हैं और सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ बदल गया है पटना में। और जो है हमारे पास एक और भैया भी जुड़े हुए हैं, इनका एक छोटा सा बाबू है आपका, अच्छा ये बाबू भी है। तो भैया कैसा लग रहा है आपको, देख रही है कैसा व्यू है, तो कैसा लग रहा है आपको, फील कैसा लग रहा है? बहुत अमेजिंग। यहाँ आकर के पटना में और इस दृश्य को नहीं देखना एकदम जो है एकदम पश्चाताप की ये चीज है। बहुत अमेजिंग, यहाँ पर जो है इतना बढ़िया व्यू लग रहा है कि ये आने वाले दिन में बहुत बढ़िया एकदम टूरिस्ट प्लेसेस और एकदम होगा ये। अच्छा आपको लग रहा है कि अब हमारा बिहार भी जो है कहीं ना कहीं बदल रहा है? एकदम बदल रहा है, आसपास के क्षेत्र से जितना देखिए बिहार झारखंड जो है उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब के जितना आसपास के जो शहर है इलाहाबाद से बनारस से मुकाबला कर लीजिए, बिहार के ये पटना शहर जो है बहुत आगे है, बहुत हर एक तरीका से आगे है और एकदम अमेजिंग है ये। अच्छा आप जो आपके रिश्तेदार जो है बाहर से हम रहते तो आप उनको कहिए कि भैया आइए पटना में घुमाएंगे? हम तो आज ही बोले हैं कि आ करके एक बार देखिए कि यहाँ आने के बाद कैसा मन खुश हो जाता है ये। अच्छा ये बताइए, हमको भी लगता है ना कि साला ऐसा वाइब जो है ना पूरे पटना में कहीं नहीं मिला, गंगा किनारे नम रोड है और आज जा रहे हैं तो वो जो ठंडी ठंडी हवाएं जो आपको बॉडी में टच कर दो, कैसा फील लगता है? बोलने से आपको ये कभी भी अगर आप बीच के पास गए होंगे, हम तो कई बार गए हैं, आपको समुद्र के पास मुंबई गए हैं, विशाखापट्टनम गए हैं,
एकदम सेम वैसा ही लग रहा है जैसे विशाखापट्टनम का आरके बीच इक्विवेलेंट एकदम लग रहा है। बिल्कुल एकदम उसके जैसा एकदम अमेजिंग है ये दृश्य। कहाँ से आए भैया? हम यहीं पर रहते हैं। अच्छा यहीं पे लोकल रहने दिखा ही रहना। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम इंद्रमणि भारती हुआ। अच्छा तो देखिए ये भैया भी जो है ना यहाँ पे आए हैं और घूमे अपने परिवार के साथ, तो इनको भी काफी अच्छा लगा। और इनको ही नहीं भैया जी, हम आपको सच बताते हैं, अगर आप भी आइएगा ना तो सच कह रहे हैं कि आप दूसरे शहर जाना भूल जाएगा और आपका सबसे पहला जो है ना टूरिज्म प्लेस जो है वो आपका पटना बनने वाला है। और ये वाकई में जो है ये कहीं ना कहीं सच है कि अब पटना भी तो बदल रहा है, और इसलिए हम भी कहते हैं भैया तो पटना तो बदल ही रहा है और बिहार भी हमारा बदल रहा है, तो आप भी जो है ना बिहार को लेकर अपना सोच बदलिए। ठीक है भैया जी, और फिलहाल हम आपको और भी व्यू दिखाते हैं और गाना बज ही रहा होगा तो उसका मजा लीजिए फिलहाल आप।